So आउटपुट डिवाइसेस है, है के लिए जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ उसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज की बुक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी आप डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको भेज दूंगी एनी हाउ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम इनपुट को कवर करेंगे इनशाला कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आउटपुट को कवर करेंगे इनपुट क्या होता है बेसिकली इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर कंप्यूटर मींस को आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो किसके थ्रू देते हो इनपुट के थ्रू ठीक हो गया तो डाटा की हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि डाटा हमारा एज अ इनपुट यूज होता है मैंने आपको पहले भी बताया डाटा क्या होता है राफ एक्स फिगर्स होते हैं और एज अ इनपुट होता है फिर हम क्या करते हैं डाटा पर हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन मींस आउटपुट में जनरेट करते हैं तो इन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा आपकी क्या कहलाती है इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद द डेफिनेशन है प्रोग्राम की प्रोग्राम क्या होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम की सेम डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की भी होती है और कमांड की भी वही बात है वो इंस्ट्रक्शन जो आप कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को वो कमांड कहलाती हैं उसके बाद दो तरह के आपके इंटरफेस होते हैं जीजु आई एक इंटरफेस क्या होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आपके पास मेन्यूज आइकन एक्सेट्रा ये चीजें होती हैं बाकी सी एल आई कमांड लाइन होता है जिसमें आपको क्या करना होता है कमांड्स के थ्रू आपने देना होता है हमारा जो टॉपिक है टॉपिक की तरफ आते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या हैं उनको हमने देखना है इनपुट डिवाइसेस बहुत ज्यादा हैं हम बार बार जो है वो यूज़ करते हैं हर इनपुट डिवाइस को मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हमारा कीबोर्ड ही होता है स्टडी uh, करते हैं इनपुट डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट है डेट इज यूज टू एंटर डाटा कंप्यूटर में करने के लिए होता है सबसे पहली जो डिवाइस है इनपुट की key, वो कीबोर्ड है मोस्टली यूज ही कीबोर्ड होता है इसलिए हम की को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं की में क्या होता है आपके पास कीज होती हैं यानी बटन होते हैं जिसको आप कीज कह रहे होते हैं ये कीज जो होती है हंड्रेड कीज है आप इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं सबसे पहले आप नुमेरिक कीपैड नुमैरिक की पैड मीन इसमें क्या होगा नंबर होंगे और कुछ ऑपरेटर्स होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसको आप नुमेरिक कीपैड कहते हैं उसके बाद है फंक्शन की फंक्शन की क्या होती है एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक

Means, आपके पास दो डायलॉग बॉक्स हैं, तो आपने जंप करना है दूसरे डायलॉग बॉक्स में तो आप टैब की प्रेस करते हो। उसके बाद कुछ हैं जैसे जैसे की 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 है, है, अकेले मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकती, control की combination के साथ बनती है, control जैसे N प्रेस करें न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करना है तो कंट्रोल एन करते हो कंट्रोल एस फॉर सेव इसी तरह आल्ट की भी अकेला कुछ भी काम नहीं करती तो आल्ट की भी कंबिनेशन से बनती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आल्ट या कोई भी जो है कंबिनेशन वेदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन उसके बाद है शिफ्ट की शिफ्ट की भी मतलब वो शिफ्ट की ऐसे नहीं होती जिस तरह आप शिफ्ट डिलीट करते हो परमानेंट चीजें डिलीट हो जाती हैं, या शिफ्ट और कोई भी लेटर प्रेस करते हो तो वो कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है उसके बाद कुछ कर्सर मूवमेंट कीज हैं, जैसे होम एंड एंड की उसके बाद हैं अप डाउन की प्रेस करोगे तो वो बंद कर देगा डिलीट की आप क्या करती है कि आपकी ये कमांड है डिलीट करती है करेक्टर्स को उसके बाद है इंजर्ट की ये स्विच करती है प्रोग्राम टू इंजर्ट मोड में प्रिंट स्क्रीन अगर आपने कोई प्रिंट लेना था ये करती है स्क्रोल लॉक स्क्रोल लॉक भी एक टेक्नोलॉजी अगर आपको याद हो तो बटनों वाला फोन होता था जिसमें की बोर्ड ऐसे होता था एबीसी लेकिन अब जो की बोर्ड यूज होता है वो होता है क्वालिटी कीबोर्ड बोर्ड क्यों क्वालिटी कहते हैं क्योंकि पहली सिक्स जो कीज होती है ना Uh, वो उसको रिप्रेजेंट uh, करा रहा होता है क्वालिटी क्यू डब्ल्यू आर टी वाई एनहेंस की बोर्ड मीन इसमें हमने कुछ और बटन्स लगा दिए जिसको इनहेंस की बोर्ड कहते हैं कॉर्डलेस की बोर्ड रिक्वायर्ड नो वायर इसके लिए कॉर्डलेस की बोर्ड कौन से थे जिसके लिए कोई भी वायर रिक्वायर्ड नहीं होती पोर्टेबल की बोर्ड कहीं भी इजिली इसको ले जा सकते हैं यूएस बी पोर्ट होती है अटैच कर लो इगोनमिक की बोर्ड है, है ये होते हैं, जहां पर हो, का, तो वहां पर ये देखें, इस तरह के की हमारे पास था की दूसरी इनपुट अब हमारे पास आई है पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस मीनस जो आपका ये कर्सर है ये पॉइंटर है ये कर्सर जो मूव कर रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस होती है डैट इज कॉल पॉइंटिंग डिवाइसिस आपकी स्क्रीन पर माउस का जो पॉइंटर की स्क्रीन को कंट्रोल करने की जो डिवाइस यूज होती है डेट इज कॉल पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटर एक स्मॉल सिंबल होता है जो पेयर होता है स्क्रीन पर अब इसके डिफरेंट देखें ब्लैक एरो भी हो सकता है पॉइंटिंग हैंड भी होता है इस तरह का सिंबल भी होता है ये डिफरेंट सिम्बल इसके यूज होते हैं उसके बाद आता है माउस इनपुट डिवाइस में माउस क्या है माउस इज स्मॉल है लाइट वेट इनपुट डिवाइस है माउस इज मूव इन फ्लैट सरफेस पे मूव हो जाता है इजीली माउस के टू या थ्री बटन होते हैं डिफरेंट टास्क ये परफॉर्म करता है माउस के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं पहले टाइप है मैकेनिकल माउस ये क्या होता है ये रबर का होता है और मेटल बाल इसके नीचे बॉल लगी होती है बॉल रोटेट करती है माउस पैड पर तो आपका जो कर्सर है वो मूव करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर डिपेंड अपॉन द रोटेटिंग ऑफ बॉल द माउस इज नॉर्मली यूज इन माउस पैड माउस इज पैड इज स्मॉल पैड होता है रबर फॉर्म टू प्रोवाइड इजीली मूवमेंट मूव हो सके और डर्ट वाली स्पेस पे ये मूव नहीं होता दैट इज ये बॉल है इसकी रोटेटिंग उसके बाद है ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है जिसमें आजकल जो यूज हो रहा है लेजर वाले माउस ठीक है जिसमें क्या होती है लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है लाइट होती है जो डिटेक्ट करता है माउस की मूवमेंट को उसके बाद है वायरलेस माउस वायरलेस माउस कौन से होते 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 हैं 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 ये ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट इसकी कोई वायर नहीं होती वायरलेस उसके बाद नेक्स्ट जो आया हमारे पास अगली टाइप आई है एक तो माउस है अगली टाइप है ट्रैक बाल ये भी माउस की तरह ही होता है इसके ऊपर एक लार्ज रोटेटिंग बाल होती है इस रोटेटिंग बाल को आप मूव करते हो तो कर्सर की मूवमेंट चेंज होती है और ये तब देखें अब इस माउस को पूरे को मूव नहीं करते हम

मूव करते हैं उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक्स पहले पहले कंप्यूटर्स के ना बटन के बीच में ये एसी गोल सा सर, लगी होता था बटन इसको आप हिलाते थे मूव करते थे फिंगर्स के साथ तो आपकी पॉइंटर जो है पेंसिल रेजर की तरह ये होता था आपका पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पर मूव होना होता था उसके बाद टेबलेट ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट्स टैबलेट्स आपके पास ये ग्राफिक टैबलेट्स है ग्राफिक टैबलेट्स क्या करता है कंसिस्ट ऑफ फ्लैट पैड पर मुश्तमिल होता है ड्रा करते हैं आप इससे कोई भी इमेज जिससे देखेंगे पेन है ना स्टेलस इस इस, इस, इस पेन को स्टेलस कहते हैं कोई भी इमेज आप ड्रा करेंगे और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ जाएगी नेक्स्ट आपके पास आती है टच स्क्रीन टच स्क्रीन सब फेमिलियर मिलिए हैं इससे बिकॉज आपका जो ज्यादा काम है वो टच स्क्रीन के थ्रू ही होता है कोई चीज आपने मोबाइल में ओपन करनी हो आजकल टच फोन अवेलेबल हैं हैं कोई मीडिया प्लेयर करना हो तो टच स्क्रीन से करते हैं। उसके बाद है लाइट पेन लाइट पेन ये भी हैंड हेल्ड डिवाइस है ये लाइट सेंसिटिव स्टेलस है टू द वायर के साथ कोनेक्ट होता है और जैसे अब ये देखें लाइट पेन है ये और इससे आप कोई भी स्क्रीन पर काम परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट आपके पास जॉयस्टिक है जॉयस्टिक जो है ये गेम्स में यूज होती है गेम्स वाले जो है ना वो यूज करते हैं जो आपका स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट होता है मीन कोई भी पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए मीन्स लेफ्ट राइट मूव करवाने के लिए नीचे एक बेस लगी है, एक होती है ऊपर एक स्टिक होती है बेस एंड स्टिक स्टिक कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन में मूव हो जाती है जाए स्टिक परफॉर्म इन फंक्शंस ये बिल्कुल वो फंक्शन परफॉर्म करती है जो माउस या ट्रैक पैड के होते हैं प्लेइंग गेम के लिए ये यूज होती है Stelous है बाल पॉइंट uh, की तरह का होता है ये प्रेशर है आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं ये हमारे पास थी पॉइंटिंग डिवाइसेस अब हमारे पास आई है ऑडियो इनपुट ऑडियो इनपुट में क्या है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग जिस साइड सी बात है आपने ऑडियो इनपुट करनी है मींस अपनी वॉइस तो उसको कहते हैं ऑडियो इनपुट इसमें आपके पास स्पीच है म्यूजिक है या कोई भी साउंड है माइक्रोफोन आपका यूज होता है सीडी या रेडियो भी वे फॉर्म उसके बाद है वॉइस इनपुट वॉइस इनपुट मींस द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बाय स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन पे आप कोई भी स्पीक मतलब बोल रहे हैं जिस तरह मैं माइक्रोफोन पे आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करी हूं तो दैट इज वॉइस इनपुट और वॉइस इनपुट अब एक और वे होता है जब क्या होता है कि वॉइस रिकॉग्निशन जैसे गूगल में आपके पास ये जो माउस है ये देखें जिस तरह ये है छोटा सा ये बना होता है तो क्या होता है यहाँ पर आप प्रेस करते हैं आप कोई भी मूवी या किसी का नाम लिखते हैं वो ओपन हो जाती है वो कैसे होती है वो वॉइस रिकोग्निशन के थ्रू होती है टू टाइप्स के वॉइस रिकोगेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्पीकर डिपेंड होता है और स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है स्पीकर डिपेंड का मतलब होता है यूजर टू ट्रेन कंप्यूटर को पहले ट्रेन करवाते हैं मीन्स उसमें डिक्शनरी इंस्टॉल कर देते हैं कि ये वर्ड है उसको आपने पहचानना है और एक होता है डज नॉट ट्रेन कंप्यूटर को ट्रेन नहीं करवाते हैं बिल्ट इन सेट ऑफ वर्ड पैटर्न होते हैं जिसकी वजह पर वो खुद ही ट्रेन हुआ होता है उसके बाद है कुछ हैंड हेल्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस हैं वो देखते हैं मीन्स हैंड हेल्ड होगी तो आप मतलब जैसे डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा क्या है पिक्चर्स को खींचते हैं डिजिटली फॉर्म में और इसको स्टोर करते हैं उसके बाद आपके पास है स्टूडियो कैमरा फील्ड कैमरा पॉइंट एंड शूट कैमरा नेक्स्ट आपके पास है वीडियो इनपुट वीडियो इनपुट का मतलब होता है फुल मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग फुल मोशन पिक्चर्स रिकॉर्डिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग उसको हम कहते हैं ये हमारी वीडियो इनपुट है यह वीडियो कैप्चर है फ्रेम गैबर ग्रैबर वीडियो कार्ड यूज होते हैं जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं फुल मोशन वीडियो कार्ड इसमें यूज होते हैं उसके बाद है पीसी वीडियो कैमरा ये भी पीसी वीडियो कैमरा है वीडियो कम्प्रेशन विम्प्रेशन क्या है बहुत बड़ी वीडियो को आप कम्प्रेस करते हैं डेट इज मिनिमम साइज ऑफ वीडियो को हम कहते हैं वेब है जैसे कि मैं अभी वेब के थ्रू आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह हम एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं कहीं भी इंटरनेट के थ्रू कहीं भी कोई भी बैठा हो और हम उससे क्या कर रहते हैं मीटिंग कंडक्ट कर करते हैं ये हमारी इनपुट डिवाइस थी आगे हमारे पास है स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइस ये भी इनपुट डिवाइस ही आती है अः ये इनशाला हम नेक्स्ट में कवर करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट में अल्लाह हाफिज